Hello students, dear students, myself Sudesh. You are mostly welcome students in our online classes of Adra Senior Secondary School, Khai Shirkat. How are you students? I hope you are all well and fit and fine. Dear students, please stay in home. Okay students, now it's study time. Are you ready for study? Okay, now we start. Today we learn our second class Hindi book and our chapter name is Kaam Ke Log. Dear students, Kaam Ke Log is a poem. We read it. Okay. Dear students, our poem name is Kaam Ke Log. Dear students, जो हर एक इंसान है वह क्या करता है, काम करता है, चाहे वह कोई भी काम हो. जैसे आप भी काम कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मोम है जो घर पे काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, फादर है, बिजनेस मैन है, तो वो भी एक तरह से काम करते हैं. तो सभी के बारे में, काम के लोग यानी कि हर किसी के बारे में हम यहाँ पे कहेंगे. ओके, फर्स्ट इज़ इतने पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता. कि जो इतने जो पौधे होते हैं यानी कि वो कौन उगाता है, सुंदर उपवन यानी कि सुंदर उपवन मीन्स बगीचा या बाग कौन बनाता है. यह सब है मालिक का काम, भगत राम है उनका नाम. कि यह सब किसका काम है, यानी कि पौधे उगाना, जो बगीचा है उसको सुंदर बनाना, यह सब किसका काम है, मालिक का काम. और उनका नाम क्या है, भगत राम. पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते. कि पौधे लगाते, पानी देते, कि वो पौधों को लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, भांति भांति के यानी कि तरह तरह के जो पेड़ पौधे लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी रिपीट अगेन. इतने पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता, यह सब मालिक का काम, भगत राम है उनका नाम. पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते. यानी कि इतने पौधे कौन उगाता और जो बगीचा है वह उसको जो है सुंदर कौन बनाता, यह सब है मालिक का काम. यह सब किसका काम है, मालिक का काम है. माली यानी कि बगीचे की देख रेख करने वाला या पौधों को पानी देने वाला, उनका नाम. उनका नाम क्या है, भगत राम. पौधे पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते. पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते. यानी कि वे पौधों को लगाते हैं और उनको पानी देते हैं, भांति भांति के जो क्या है पेड़ लगाते हैं. नेक्स्ट इज ये है दर्जी असलम भाई. कि ये जो दर्जी है इनका क्या नाम है, असलम भाई. कपड़ों की कर रहे सिलाई. यानी कि ये क्या कर रहे हैं, कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं. मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई. ये जो बच्ची है क्या कह रही है, कि मैंने इनसे क्या सिलवाई, फ्रॉक सिलवाई. मामू ने अचकन बनवाई. मामू ने क्या है, अचकन बनवाई. दीदी ने है सूट बनवाया. दीदी ने है सूट सिलवाया. दीदी ने क्या करवाया, सूट सिलवाया है. और चाचा ने कुर्ता बनवाया. चाचा ने इनसे कुर्ता बनवाया है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो दर्जी का काम है वह क्या काम होता है, सिलाई का. ये है दर्जी असलम भाई. कपड़ों की कर रहे सिलाई. मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई. मामू ने अचकन बनवाई. दीदी ने है सूट सिलवाया. चाचा ने कुर्ता बनवाया. कि ये जो दर्जी है इनका क्या नाम है, दर्जी असलम भाई. कपड़ों की ये सिलाई कर रही हैं. और ये जो बच्ची है क्या कह रही है, कि मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई है और मामू ने अचकन बनवाई है. दीदी ने है सूट सिलवाया. दीदी ने क्या किया है, सूट सिलवाया है. और चाचा ने कुर्ता बनवाया है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कारीगर है जगदू राम. ये बढ़ई का करते काम. कि जो कारीगर है इनका क्या नाम है, जगत राम. क्या नाम है, जगदू राम. ये बढ़ई का करते काम. बढ़ई मीन्स लकड़ी को बांटने वाला, काटने वाला. तो बढ़ई लकड़ी की जो चीज़ें सारी, लकड़ी की जो चीज़ें सारी, सोफ़ा मेज़ और अलमारी, फर्नीचर मजबूत बनाते सभी घरों में, जिसे घरों में सभी सजाते. कि लकड़ी की ये जो सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा मेज़ और अलमारी, फर्नीचर मजबूत बनाते. फर्नीचर को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं. और जिसे सभी क्या है, अपने घरों में सजाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी रिपीट दिस ऑल पैराग्राफ पैसेज.
वी रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो काम के लोग हैं, इसमें अभी हमने कौन से जो मतलब थ्री टाइप्स के जो वर्कर होते हैं उनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल माली, एंड सेकंड इज़ दर्जी, एंड थर्ड इज़ बढ़ई। यानी कि जो माली होता है वो क्या करता है, बगीचे की देख रेख करता है, पेड़ पौधों को पानी देता है। एंड जो दर्जी होता है वो कपड़ों की स्टिचिंग करता है। एंड जो बढ़ई होता है वो क्या करता है, लकड़ी का जो सामान है, लकड़ी से नया नया सामान बनाता है। वी रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, काम के लोग। इतने पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता, यह सब है माली का काम, भगत राम है उनका नाम, पौधे लगाते पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते। यानी कि हमें यहाँ पे माली के बारे में बताया गया है कि अगर माली नहीं होते तो इतने पौधों को कौन उगाता, और जो इस उपवन की मतलब इस बगीचे की जो साफ सफाई है या पौधों की जो केयरिंग है वह माली के बगैर कौन करता। यह सब है माली का काम, कि यह सब जो बगीचे का माली होता है उसका काम है, भगत राम है उनका नाम, उनका नाम क्या है, भगत राम। पौधे लगाते पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते, कि जो भगत राम नाम की जो माली है वो क्या करते हैं, पौधों को लगाते हैं और उनको पानी देते हैं और भांति भांति के पेड़ उगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ये है दर्जी असलम भाई, कपड़ों की कर रहे सिलाई, मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई, दीदी ने है सूट सिलवाया, चाचा ने कुर्ता बनवाया। डियर स्टूडेंट्स, ये है दर्जी असलम भाई, यानी कि इस जो पिक्चर में हमें दर्जी दिखाई गई है उनका क्या नाम है, असलम भाई, कपड़ों की कर रहे सिलाई। ये क्या कर रहे हैं, कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं। मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, कि ये जो बच्ची है क्या कह रही है कि मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई, दीदी ने सूट सिलवाया और चाचा ने कुर्ता बनवाया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कारीगर है जगदू राम, ये बढ़ई का करते काम, लकड़ी की जो चीज़ें सारी, सोफ़ा मेज और अलमारी, फर्नीचर मजबूत बनाते जिसे घरों में सभी सजाते। ये जो कारीगर है इनका क्या नाम है, जगदू राम, और ये जो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी की सारी चीज़ें जैसे सोफ़ा मेज और अलमारी है, और ये क्या करते हैं, मजबूत फर्नीचर बनाते हैं जिसे सभी अपने घरों में सजाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो पोइम का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो हाफ पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एनी प्रॉब्लम यू कमेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम।